स्टूडेंट्स अलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.10 कर रहे थे, जिसमें आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की एप्लीकेशन कर रहे थे, ठीक है ना। जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेटा, इसके हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में है कि अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, यानी एक बॉक्स है जिसका बेस स्क्वायर है एंड ओपन टॉप, ऊपर से नहीं वो खुला हुआ है, ठीक है ना। जैसे बाल्टी होती है और बाल्टी के ऊपर वाला ढकना ना हो तो हम कहते हैं ऊपर से खुली हुई है, ठीक है। इस तरह जो आपके पास जो बॉक्स है ऊपर से क्या वो टॉप है। टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, यानी आपने बॉक्स की साइड्स फाइंड करनी है, विच विल रिक्वायर लीस्ट मटीरियल, जिसमें कम अज कम मटीरियल हो यानी मिनिमम हो, ठीक है। अब बेटा देखिए, पहली बात तो आपको याद होगा इस तरह का बॉक्स बनाते हैं हम लोग ना, ये जैसे बॉक्स बना रहा हूँ, एक मैं रफ सा बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा देखिए, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये एक्स इसकी लेंथ है और ब्रेथ भी ले रहा हूँ एक्स, क्योंकि इसका जो बेस स्क्वायर है, और हाइट में या जो हाइट है आपके पास वो ले रहा हूँ मैं वाई ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स है। अब देखिए ऊपर से, देखिए जो है ना ऊपर, समझो ये ऊपर से टॉप से ओपन है, यानी जैसे यहाँ पे जो बेस आपके पास एक्स है ना, और ये भी आपके पास बेस इसका दिया हुआ है एक्स, दोनों साइड एक्स है, यानी ये आपके पास क्या है, ये लेंथ है आपके पास, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये आपके पास हाइट है, ठीक है। क्योंकि तो बेस इसका स्क्वायर है, दोनों आपने एक्स ले लिया, ठीक है। और ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ये टॉप से ओपन है, यानी यहाँ से ये ओपन है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में, लेट एक्स, लेट एक्स बी द लेंथ एंड विड्थ एंड वाई बी द हाइट, हाइट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। बताइए आपने एक्स जो है वो आपने उसकी लेंथ और विड्थ ले लिया, ठीक है, और वाई आपने उसकी क्या ले ली है, हाइट ले ली है विद अ स्क्वायर बेस, ठीक है। इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, अच्छा। बेटा अब आपको याद होगा कि वी नो दैट क्या होता है, कि वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स आई। अब बच्चों देखो, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू लेंथ आपके पास एक्स है, ब्रेथ वी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए, अब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए वॉल्यूम आपको क्या दिया हुआ है, 4 डेसीमीटर क्यूब है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस देखिए वी आपके पास है 4 डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ से हम जो है ना एक रिलेशन बना लेंगे, आप एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे आप, आपके पास 4 ओवर x³, एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। यानी आपने एक ही क्वेश्चन इससे निकाल लें, ठीक है। अब बेटा देखिए दूसरा उन्होंने कहा है कि देखिए इसका जो है ना लीस्ट मटेरियल है, तो लीस्ट मटेरियल क्या होता है कि जब आपके पास एरिया नहीं, इसके अंदर इनक्लोज्ड है, अब इसके लिए हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि वी नो दैट, बेटा जो सरफेस एरिया होता है ना, कि वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स, ये ऊपर से ये टॉप है, ठीक है। ये क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या होता है, बेसिकली याद रखिएगा कि एरिया ऑफ द बेस प्लस 4 टाइम्स लेटरल फेसेस, ठीक है, एरिया ऑफ लेटरल फेस, ठीक है। अब बेटा देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए एरिया ऑफ बेस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और प्लस 4 टाइम्स में 4 जो है लेटरल फेसेस बनते हैं, 4
और एक्स इंटू वाई, वो तो आपने लिख लिया, और ये आपके पास एक्स इंटू वाई, ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू वाई। अब ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 4xy। बेटा ये होता है इसका बॉक्स का सरफेस एरिया, जो ऊपर से टॉप हो, ठीक, ऊपर से क्या हो, टॉप हो, ठीक है। अगर ऊपर से टॉप ना होता तो फिर ये हो जाता 6xy हो जाता, ठीक है, ये आपने याद रखना। और सरफेस एरिया और एरिया में फर्क क्या होता है कि जो टू डायमेंशंस डायग्राम होती हैं उनका हम एरिया फाइंड करते हैं, और जो थ्री डायमेंशंस डायग्राम होती है उनका हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। बेटा ये आपके पास है कि इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास ये एक फंक्शन आ जाएगा जो एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा देखिए इक्वेशन इक्वल दिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और वाई की जगह पर 4 अपॉन x² आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 16, और यहाँ पे हम एक एक्स कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 ओवर x, एक्स स्क्वायर प्लस 16x^-1। बेटा ये आपके पास आ जाएगा एरिया, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए, अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम चाहें तो आप कर भी सकते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो, ठीक है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब हम इसे 2 दफा करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम यहाँ पर ना वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। अब बेटा देखिए, देयरफॉर एफ प्राइम एक्स आपके पास ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स से पहले आ जाएगी पावर, 2 पावर में से माइनस एफ प्राइम एक्स आपके पास ये आ गया 2x, ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ऑल्सो जब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, 2x का डेरिवेटिव माइनस, ठीक है, पहले तो आप 16 ऐसे लिख लेंगे, ये पहले जो है ना इसमें लिखेंगे 16, ठीक है। अब बेटा देखिए 16 तो ऐसे ही आ गया पहले, और ये यहाँ पे एक्स की पावर -2 में पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से, ठीक है। अब आपके पास ये आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव 2 माइनस माइनस प्लस 16 to the 32 और एक्स की पावर -3, तो बेटा ये आपके पास आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब बच्चों आपको याद होगा कि स्टेशनरी वैल्यूज के लिए हम एफ प्राइम एक्स को पुट करते हैं 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 4 स्टेशनरी फंक्शन को रोकते हैं, ठीक है, और स्टेशनरी वैल्यूज पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ प्राइम एक्स आपके पास देखिए लिखा हुआ है 2x-16x^-2=0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा 2x-16, नीचे आ गया x²=0। अब बेटा देखिए यहाँ पे आप x² ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2x³ और -16=0, और ये 2x³ -16 और ये 0 × x² ये आपके पास नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 0, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2x³ - 16=0 और देखिए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 × 2 = 16, तो अब ये आपके पास आ गया x³ = 8 आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा वैसे आपको याद होगा कि यहाँ से वैसे बेसिकली ना एक्स की आती हैं 3 वैल्यूज ना, जब आप क्यूब रूट फाइंड करते हैं, आपको याद होगा ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, x³ को 8 को यहाँ ले आएंगे, और ये x³ - 8 होता है 2 का क्यूब, यहाँ पे आप a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, a - b, और फिर ये आपके पास आ जाएगा a² + ab और +b² बेटा। यहाँ से ना 3 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू तो रियल आएगी और 2 आएगी कॉम्प्लेक्स ना, 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 2 वैल्यूज कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। तो अब आपको पता है कि जो साइड्स है ना, आपने बॉक्स की साइड्स फाइंड करनी है, तो बॉक्स की साइड्स कभी भी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आती, ठीक है, इमेजिनरी नहीं होती, इसलिए फिर हम इसको क्या करेंगे, x³ और 8 को हम कर देंगे 2 का क्यूब, और दोनों का यानी आप क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। याद देखें क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देता है, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी आपके पास लेफ्ट और जो ब्रेथ सपोज की वो आ गई, मगर हमें चेक करना है कि आया इसके ऊपर जो मटेरियल लिस्ट है या
यानी ज्यादा है, यानी कम है या ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब ये एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे एफ डबल डैश एक्स में, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि पुट एक्स इज इक्वल टू इन एफ डबल डैश एक्स। अब बेटा देखिए, जब आप एफ डबल डैश एक्स पर पुट कर देंगे, देयरफॉर एफ डबल डैश, देखिए एफ डबल डैश एक्स ये आपके पास, आपके पास क्या है, 2 + 32x^-3। एफ डबल डैश एक्स मतलब लिख लेता हूँ 2 + 32x^-3। अब बच्चों देखिए, एफ डबल डैश जब आप यहाँ पर पुट कर देंगे 2 + 32 और ये 2^-3, ठीक है। अब बेटा देखिए, एफ डबल डैश ये 2 आ गया, अब देखिए 2 और 32 भी देखें क्या होता है कि 2^5 होता है, और ये 2^-3, और यहाँ से एफ डबल डैश 2 आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 और ये 5 में से 2^-3। एफ डबल डैश 2 आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 और 2^ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। एफ डबल डैश आपके पास आ जाएगा 2^2, ठीक है, तो 4 + 2 = 6 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि आपके पास जो साइड 2 है, जो लेंथ 2 है, इसके ऊपर एरिया क्या है, यानी मटेरियल लीस्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस एफ डबल डैश 2 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर, ठीक है बेटा, तो देयरफॉर अब देयरफॉर मटेरियल इज लीस्ट एट एक्स इज इक्वल टू डैश, ठीक है बेटा। एक्स तो आ चुका है, अब वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वाई पुट एक्स इज इक्वल टू डैश इन, ये जो हमने पहली क्वेश्चन बनाई थी ना उसमें हम जो पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो थी वाई इज इक्वल टू 4/x² पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, देयर फोर इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, वाई इज इक्वल टू 4/x² थी, ठीक है। अब ये वाई इज इक्वल टू 4x की जगह हम पुट करते हैं 2^2। तो बच्चों ये देखिए आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 4 2^2 आपको आ जाएगा 4 4 से 4 कैंसिल, तो वाई आपके पास आ जाएगा 1 डैश, ठीक है। अब बेटा देखिए, आपके पास साइड्स आ गई, ठीक है, एक साइड यानी आपको लेंथ आ गई 2, ब्रेथ भी आ गई 2 और हाइट क्या आ गई 2। अब हम यहाँ लिख लेंगे हैंस रिक्वायर्ड डायमेंशन बॉक्स आर 2 डेसीमीटर एंड 1 डेसीमीटर, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा बेटा देखिए, इसको आप चेक भी कर सकते हैं ना। अब चेक में अगर आप कैसे करेंगे कि देखिए उन्होंने दिया हुआ है इसका जो वॉल्यूम है, बेटा देखिए आप चेक करना चाहें ना, देखें ये वॉल्यूम अगर चेक अगर आप करना चाहें, देखिए इसमें उन्होंने दिया हुआ, इसका वॉल्यूम दिया हुआ आपको ना, तो वॉल्यूम देखिए आपको दिया हुआ था 4 डेसीमीटर 2। अब देखिए यहाँ आपके पास वॉल्यूम कहीं नहीं था ना, एक्स एक्स भी आपके पास देखिए 2 आया है, दूसरा एक्स भी 2 आया है और वाई आपके पास 1 आया है, तो आपके पास आ जाएगा 2^4 डेसीमीटर 2। तो ये आप वेरीफिकेशन कर सकते हैं करना चाहें, ठीक है। तो अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपके पास था 7, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा देखिए, 8 क्वेश्चन में बड़ा आसान सही है, 8 बिल्कुल वैसी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या है, आप लोगों को फाइंड दी डायमेंशंस, यानी आपने साइड फाइंड करनी है और फॉर रेक्टेंगल, फॉर रेक्टेंगल गार्डन, रेक्टेंगल गार्डन है पेरिमीटर, पेरीमीटर 80 मीटर, इफ इट्स एरिया टू बी
मैक्सिमम। बट इसमें हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल के हमने फाइंड करना है, रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। और आपको गिवन है, आपको देखिए इसका जो पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए इसको करते हैं हम, तो बेटा के पहले स्टेप में हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, देखिए ये होता है रेक्टेंगल, देखिए जैसे रेक्टेंगल, ठीक है, ये साइड ए, वर्टेक्स ए, बी, सी और डी। और आपको पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब अगर ये साइड आपके पास एक्स है, और ये साइड आपके पास एक्स है, तो ये भी एक्स होगी, और ये साइड वाई है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब बेटा आपको याद है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, कि 2x+2y है, ठीक है, 2x+2y। और पेरीमीटर देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 18 मीटर। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द ब्रेथ ऑफ अ रेक्ट एंगल, ठीक है। अब बेटा आपको याद है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्ट एंगल क्या होता है, कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्ट एंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा एक्स इंटू वाई, ठीक है बच्चे, ये आपके पास आ गया। अब हम आपकी मर्जी, आप सपोज कर लें कि लेट एरिया इज इक्वल टू, एरिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देना, ठीक है। इन्हें हमने एफ ऑफ एक्स एक्स ओ वाई की फॉर्म में फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब दूसरा बेटा देखिए आपको गिवन है कि ऑल्सो देखिए पेरीमीटर गिवन है आपका, पेरीमीटर क्या होता है, तो 2x+2y होता है, ठीक है। रेड ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2x+2y, ठीक है। और बेटा देखिए अब आपको क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर आपको 80 दिया हुआ है, कि सिंस पेरीमीटर आपके 80 मीटर, 80 मीटर सॉरी मैं सेंटीमीटर लिख दिया है, तो ये आपके पास क्या होता है, 80 मीटर। तो पेरीमीटर आपके पास 80 मीटर है, पेरीमीटर आपके पास 80 मीटर। या आपको बता दें पेरीमीटर 80 मीटर। अब बेटा देखिए तो सिंपलाइज दैट 2x+2y = 80। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो x+y = 80 और ये 2 40 का। तो बच्चों आपके पास x+y = क्या आ जाएगा, 40। और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, 40 - x, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये देखिए आपके पास फंक्शन f ऑफ x x की फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएगा। फिर आगे इसके लिए हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वाली टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, 1 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स वाई है, वाई की जगह 40 - x आ जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40x - x², ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। अब हम इसे करेंगे, 2 दफ़े डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव को रखेंगे इक्वल टू 0, वहाँ से वैल्यू निकालेंगे, वो डबल डैश पे रखेंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बच्चों देखिए आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, देयर फोर f'(x) = 40x का डेरिवेटिव आ जाएगा 40, और x²(2x) या गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ऑल्सो जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आपके पास आ जाएगा
एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू रोटी का डेरिवेटिव 0 और -2x का माइनस, तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया। के लिए हम एफ प्राइम एक्स को 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे फॉर स्टेशनरी पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0, इसका क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद होगा। तो अब एफ प्राइम एक्स आपके पास है 40 -2x, इस 40 -2x को हम पुट कर देंगे इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा एफ प्राइम एक्स 40 -2x इज इक्वल टू, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2x इज इक्वल टू -40, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 40, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40/2 और 220। एक्स तो आपके पास आ गया 20 आ गया। ठीक है, जो लेंथ आपके पास क्या आ गई 20, मगर हमें ये चेक करना है कि आया इसके ऊपर जो है ना वो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, तो ये एक्स की वैल्यू 20 आ तो गई है। अब हम ये पुट करेंगे डबल डैश में। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 20 इन एफ डबल डैश एक्स। अब बेटा देखिए, अब आपके पास देखिए फोर, देखिए एफ डबल डैश एक्स ये लिखा हुआ आपके सामने, एफ डबल डैश एक्स आपके पास क्या था -2 था। देखिए एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -2। अब बच्चों देखिए एफ डबल डैश ये आपके पास आ जाएगा 20 इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये लेस देन 0 आ रहा है। तो आपको याद होगा कि जब लेस देन 0 हो तो क्या होता है कि एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस एफ डबल डैश 20 लेस देन 0 देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, मतलब एक्स आपके पास आ चुका है, अब आपने वाई निकालना है। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू आपको याद होगा कि लिखेंगे 4y पुट एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर इन जो आपके पास इक्वेशन 1 थी। ठीक है, इक्वेशन है आपके पास ये थी, सॉरी 240 -x इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन 2 आपके पास ये थी, देयरफॉर 2 इंप्लाइज दैट इक्वेशन 2 आपके पास थी वाई इज इक्वल टू 40 - x, एक्स की आपके पास 20 आ गया, तो वाई भी आपके पास 20 मीटर आ जाएगा। बट ये आपके पास रिक्वायर्ड साइड आ गया, लिख लेंगे हेंस द रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ द राइट एंगल आर 20 मीटर एंड 20 मीटर। बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 ही की तरह है। अब क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि एन ओपन टैंक ऑफ ए स्क्वायर बेस, यानी एक टैंक है ऊपर से ओपन है विद ए स्क्वायर बेस जिसका बेस स्क्वायर ऑफ साइड एक्स, और बेस की जो साइड है वो एक्स है, लेंथ और ब्रेथ एक्स है, एंड वर्टिकल साइड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन ऑफ गिवन क्वान्टिटी, और जो वर्टिकल साइड है वो इस तरह कंस्ट्रक्ट की है कि वो क्वान्टिटी को कंटेन करती है, और वाटर यानी पानी है, नहीं उस टैंक में बेसिकली पानी है, ये अंडरग्राउंड है। ठीक है, पहला जो टैंक था वो अबव द सरफेस था, उसमें हाइट थी, अब इसमें ये बिलो द सरफेस है, यानी पानी का टैंक है।
तो फाइंड द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपने इसकी एक तो डेप्थ फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स विद द एक्स एक्सपेंस ऑफ द लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द टैंक विल बी लेस, यानी इसके अंदर जो है वो जो पानी है वो क्या हो लीस्ट हो, ठीक है, ये टैंक की क्वांटिटी क्या हो लीस्ट हो। अब बच्चों देखिए इसमें हमने क्या करना है, देखें कि अब आपको याद होगा पहली बात तो ये देखें कि ये टैंक था आपके पास इस तरह की शेप बनेगी जो बॉक्स है, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, देखिए कि इसकी जो लेंथ मैंने सपोज की ना, लेंथ ऑफ ब्रेथ वो अगर आपने सपोज कर दी एक्स, ये भी एक्स है लेंथ है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जमीन के अंदर डेप्थ को हमने सपोज कर लिया ब्रेथ, ठीक है, और ऊपर से क्या ओपन से क्या है टॉप से ओपन है, टॉप से ओपन है, ठीक है, ऊपर से टॉप से ये चीज नहीं, ठीक है। अब बेटा देखिए अब आपने क्या फाइंड करना है, पहली बात तो आपने ये डेप्थ जो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा आपने इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन में लेट एक्स बी द लेंथ एंड ब्रेथ एंड वाई बी द डेप्थ ऑफ स्क्वायर बेस एंड ओपन नो टॉप। अच्छा अब बेटा आपको याद होगा, ठीक है, कि क्या होता है कि वी नो दैट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू, अब यहां पे क्योंकि डेप्थ में जमीन में तो डी ऑफ डेप्थ कर लिया। अब यहाँ से बेटा वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, देखिए लेंथ भी एक्स है ब्रेथ भी एक्स है और डेप्थ आपने का लिया है वाई लिया, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लें, वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर, वाई की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इससे आप इक्वेशन नंबर वन का नंबर लें, आपने वाई की वैल्यू निकाली वी ओवर एक्स स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि जो सरफेस एरिया होता है कि वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था कि इसका सरफेस एरिया कैसे आता है, और सरफेस एरिया में और एरिया में फर्क ये होता है कि एरिया होता है टू डायमेंशन का और सरफेस एरिया होता है थ्री डायमेंशन डायग्राम। तो बच्चों अब आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई, ये इक्वेशन नंबर टू। अब हम यहाँ इक्वेशन नंबर वन से वाई की वैल्यू यहाँ टू में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो पुट वाई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू। बेटा देखिए जब आप इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे एरिया आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और वाई की जगह पर वी ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास एक एक सेट एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एरिया आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वी ओवर एक्स, और चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर वी एक्स की पावर माइनस वन। अब आप इसे सपोज कर लें कि लेट एरिया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप ये भी नहीं दे सकते थे मगर ज़्यादा इजी भी नहीं, हमने पूरे फंक्शन को एक्स के फॉर्म में ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर वी एक्स की पावर माइनस वन। अब आपने वही काम करना है कि इक्वेशन वन को आपने दो दफा डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करेंगे इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स टू टाइम्स रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बच्चों देखिए जब हमने रिस्पेक्ट टू एक्स को डिफरेंशिएट किया तो देयर फॉर एफ प्राइम एक्स आपके पास आ जाएगा, देखिए एक्स इज टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ गया टू एक्स, ठीक है, और फिर देखिए फोर वी और एक्स की पावर माइनस वन का पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से एक माइनस तो माइनस टू,
एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x और ये -4 डी एक्स की पावर -2, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इसके साथ सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं ऑल्सो। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2, और देखिए ये -4 वी, यहाँ पे पहले आ जाएगी पावर के पावर में से माइनस और -3, तो एफ डबल डैश एक्स आपके पास आ जाएगा 2 और ये -4 टू द 1 v x की पावर -3। बेटा ये आपके पास आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब आपको याद होगा कि पोस्टेशन वैल्यूज आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पोस्टेशन वैल्यूज पुट f प्राइम x इज इक्वल टू 0, पोस्टेशन वैल्यूज पुट f प्राइम x इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा एफ प्राइम एक्स आपके पास ये है 2x -4 v x की पावर -2 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, 2x -4 v और नीचे भी x की पावर होगा +2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2x³ और ये -4 v इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x³ -4 v इक्वल टू 0। बेटा ये आपके पास आ जाएगा, देखें 2x³ इज इक्वल टू 4 v, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x³ इक्वल टू 4/2 v, 2 टू द 4। और बेटा देखिए आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू x³ आपके पास आ जाएगा 2 x³ आपके पास आ गया 2 v। तो अब बेटा देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड। अब बच्चों देखिए जब आपने क्यूब रूट लिया, अब देखिए आपके पास x³, ये क्यूब रूट आ गया 2 v, और आपके पास क्यूब रूट आ गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आपके पास आ जाएगा 2 v और होल पावर 1/3। आप चाहे क्यूब रूट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन चाहे तो आप यू भी रहने दे सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 v और इन क्यूब रूट, या आप इसे यूज सकते हैं। ठीक है बेटा, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है इसमें डबल डैश में, वहां से हमें पता करना है कि जो मटीरियल है वो क्या आपके पास लीस्ट है या मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि पुट एक्स इक्वल टू 2 v और होल पावर 1/3 इन एफ डबल डैश एक्स। अब बेटा देखिए एफ डबल डैश एक्स आपके पास ये है, एफ डबल डैश एक्स देखिए आपके पास है 2 + 8 v x की पावर -3, 2 + 8 v x की पावर -3। अब आप एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, एफ डबल डैश 2 v की पावर 1/3, तो 2 + 8 v x की जगह देखिए 2 v की पावर -1/3 और रूट पावर आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है बेटा, अब बच्चों देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ डबल डैश 2 v की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 + 8 v, और इसे आप अपॉन में लागू क्या कर देंगे, देखिए पहली बात तो देखिए ये है कि आपके पास 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2 v की पावर -1 और ये आ जाएगा 2 + 8 v, और ये अपॉन में आगे पावर हो जाएगी 2 v, और देखिए ये 20 से 20 कैंसिल और 2 4 द 8, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश 2 v की पावर 1/3 इक्वल 2 + 4, ये आ जाएगा 6, ये बेसिकली ग्रेटर देन 0 है। और आपको पता ही है कि जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेंगे सिंस एफ डबल डैश 2 v की पावर 1/3 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ठीक है 9 इनसाइट अटेम्प्ट विल बी लीस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2 v की पावर 1/3। बेटा ये आपके पास आ गया। अच्छा बच्चों, अब इन्होंने क्या कहा है आपसे,
आपने वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करना, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, नाउ वी फाइंड, नाउ वी फाइंड दैट दैट इज वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब बच्चों देखिए, अब हमने क्या करना है कि सिंस देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, सिंस एक्स इज इक्वल टू की पावर 1/3, ठीक है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, यहाँ दोनों तरफ आपने यहाँ पे क्यूब ले लेना, क्या करना है, ठीक है। अब देखिए वाई आपके पास ये है ना, स्टार्टिंग में देखिए वाई आपके पास है वी ओवर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हम वी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक्स दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, टू वी की पावर 1/3 और होल पावर वी। अब बेटा के 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स क्यूब ओवर, ये आपके पास आएगी वी की वैल्यू। और देखिए आपको पता है कि वी नो दैट या सिंस जो वाई था, देखिए इन टर्म्स ऑफ वी जो था स्टार्टिंग में, वाई आपके पास था वी ओवर एक्स स्क्वायर, वी ओवर एक्स स्क्वायर, वी ओवर एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, अभी आपके पास आ गया देखिए एक्स क्यूब ओवर 2 है ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं वाई इक्वल एक्स क्यूब ओवर 2 और ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बच्चों देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, एक एक्स एक्स कैंसिल, तो ये आपके पास वाई जो डेप्थ है एक्स ओवर 2, ये आपके पास आ गया यूनिट, ठीक है। ये वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आपके पास। ठीक है बच्चों, तो अब आपने एक्स भी फाइंड कर लिया, ठीक है। एक्स आपके पास आ गया 2v की पावर 1/3 और ये आपके पास वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आपके 2 यूनिट्स, ठीक है। तो इसको यहीं तक क्लोज करते हैं, बाकी इंशाल्लाह इसके जो 3 क्वेश्चंस आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपने इनको ध्यान से करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।